स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर दो ठीक है बना ठीक है चलो ओके हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी तो का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में इस बार ना नया पंगा हो गया था बैटरी बैटरी तो नहीं गई थी बट ये जो केबल का कनेक्शन होता है ना वो थोड़ा सा लूज हो गया था जिसके कारण से आपको आवाज नहीं आ रही थी बाकी अब ठीक है आवाज आ रही है बढ़िया से चलो Thanos ने फिर से चुटकी बजा दी हाँ लगता तो ऐसा ही है लगता तो ऐसा ही है चलो कोई ना वी आर बैक और अब उम्मीद करता हूं कि sound एकदम आ रहा clear voice, बहुत ही अच्छा वेरी गुड चलो शुरू करते हैं गुण गुण सलाम with, let's get started. आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक थ्योरी डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस हाइजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और उसके बाद हम चैलेंज करेंगे बोर के मॉडल को आप बोलोगे सर आप गजब मजे ले रहे हो स्टार्टिंग से पहले एक मॉडल पढ़ाते हो फिर उसकी कमी बता देते हो फिर एक मॉडल पढ़ाते हो फिर उसकी कमी बता देते हो तो करें क्या यार अपनी गलती नहीं है इसमें एक्चुअली क्या हुआ जब हम परमाणु को समझना शुरू कर रहे थे ना तो हर एक बंदे ने अपने अपने लेवल से उसके अंदर एफर्ट्स लगाए और जब अपने अपने लेवल से अफर्ट्स लगाना शुरू किए बंदे ने तो एक मॉडल बनना शुरू हुआ फिर जब मॉडल बने तो किसी और ने कुछ नई चीज खोज डाली जिसके कारण उस मॉडल पर सवाल उत्पन्न हुए जिसने मॉडल बनाया था सवाल का जवाब दे नहीं पाया तो हमने उसको कमी डिक्लेयर कर दिया और नए मॉडल की तरफ आगे बढ़ गए तो चीजें इस प्रकार चलती रहीं और आपके सामने नई नई कॉन्सेप्ट्स आते रहे आगे बढ़े चलो तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए तो दिल थाम के बैठिएगा शुरुआत करते हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लैंक का सिद्धांत अब आप बोलोगे सर कल पढ़ा तो दिया था आपने पर कल मैंने आपको प्लैंक का सिद्धांत इसलिए पढ़ाया था ताकि आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वो E2 टू माइनस ई वन बराबर वाले फॉर्मूले को देख करके ड्राइव डेरिवेशन कर, ड्रेव, कर सकू आज मैं प्लैंक का सिद्धांत आपको एक अलग नजरिए से बताऊंगा प्लैंक का सिद्धांत आज लगता है थोड़ा इश्यू ही रहेगा क्लास में वो कहते हैं ना कभी कभी शुरुआत में टेक्निकल एयर आती है तो चलती रहती है बट कोई बात नहीं अभी तो ठीक हो गया फोकस करते हैं क्लास पे अगर ज्यादा कुछ दिक्कत आएगी तो फिर स्ट्रीम कैंसिल करेंगे अदरवाइज ट्राई मैं ये कर रहा हूँ कि क्लास कैंसिल ना हो क्लास हो जाए आज ठीक से चलो तो प्लैंक का सिद्धांत पे बात चल रही थी बेटा प्लैंक का सिद्धांत को आज समझेंगे प्लैंक ने कहा कि सब लोग ऐसे बोलते थे कि जो लाइट है ना अब लाइट क्यों बोला सर आपने क्योंकि मैंने आपको कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में प्लैंक का सिद्धांत बताया था परंतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही अंदर ही लाइट आती है आपको अच्छे से याद होना चाहिए कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये एक जनरल टाइप ऑफ वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो है जो किसी आवेश को त्वरित करने से बनती है अगर किसी आवेश को अपन त्वरित करें तो उससे विद्युत चुंबकीय तरंग बनती है और विद्युत चुंबकीय तरंग के जो एग्जाम्पल हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के जो एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पल्स में अल्ट्रावायलेट इंफ्रा रेड विजिबल ये सब आती है तो जो विजिबल है तीन हजार एंगस्ट्रॉम से लेकर के छह हजार एंगस्ट्रॉम लगभग कुछ लोग पैंतीस सौ एंगस्ट्रॉम से पिछहत्तर सौ एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं या फिर सात हजार एंगस्ट्रॉम जनरली ये आपका सामान्य प्रकाश जो आपको नजर आता है परंतु चाहे लाइट हो चाहे अल्ट्रावायलेट रेज हो चाहे इंफ्रा रेड हो चाहे आपकी रेडियो वेव हो चाहे समोसा गर्म करने वाली माइक्रोवेव हो ये सभी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग के ही प्रकार हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंग के ही प्रकार है तो इसने क्या कहा इसने ये कहा प्लैंक ने ये कहा कि जो तरंग है ना प्लैंक ने क्या कहा मैं आपको समझाता हूं प्लैंक 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 एक सेकंड बस हम्म तो प्लैंक ने ये कहा कि जो आपकी लाइट है चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके अंदर एनर्जी के छोटे 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 पैकेट होते हैं और उन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट अगर आपने पुराने वीडियो से देख भी लिया है लास्ट ईयर के वीडियो से तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लाइव क्लास में जरूर आए क्योंकि लास्ट ईयर जो हम लेवल लेके चल रहे थे वो बोर्ड तक का लेवल लेके चल रहे थे और इस बार इन क्लासेस में जो हम लेवल लेके चल रहे हैं वो आईआईटी आई और नीट का लेवल लेके चल रहे हैं लास्ट ईयर भी मैंने ग्राफ पढ़ाए थे फिजिक्स में इस साल भी ग्राफ पढ़ाए वीडियो को देख के समझ सकते हो ऐसे ही यहां भी आप इस बात को ध्यान रखें ठीक है शौर्य आगे बढ़े बेटा तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके अंदर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट हैं उन पैकेट को हम लोग क्वांटा के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं क्वांटा के नाम से जानते हैं और यहां से एक बात समझ में आई कि जब भी कोई विद्युत चुंबकीय तरंग आकर के टकराती है तो सबसे पहले क्वांटा होता है जो जाकर के टकराता है सबसे पहले क्वांटा होता है जो सामने वाले को जाकर के टक्कर करता है सामने वाले को जाकर के हिट करता है और सामने वाले को ऊर्जा देता है और जो एक क्वांटा की ऊर्जा है वो ऊर्जा समानुपाती होती है विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति के ई e समानुपाती होती है म्यू के और इज इक्वस टू होता है एच म्यू और एच जो है वो आपका है प्लैंक कांस्टेंट इसका मान आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएगा और इसकी वैल्यू आपको याद करने की कोई भी किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है क्यों इसकी वैल्यू आपको याद नहीं करनी है क्योंकि okay, एग्जाम के अंदर इसकी वैल्यू लिखी भी आती है फिर भी अगर आप याद करना चाहें तो सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू दस की गार माइनस चौंतीस और ध्यान रखें इसकी यूनिट क्या होगी मैं आपको समझाता हूं आपको अच्छे से याद होगा मैंने पढ़ाया था विद्युत ये क्या है आपका ये है आपका ऊर्जा ऊर्जा की यूनिट होती है एच यूनिट कैसे निकलेगी यहां से ध्यान दें एच इज इक्वस टू क्या होगा ई अपॉन म्यू म्यू क्या होता है देखो म्यू इज इक्वस टू होता है वन अपॉन टी तो समय की यूनिट होती है सेकेंड तो म्यू का ऐसा ही मात्रा क्या हो गया वन अपॉन सेकेंड वन अपॉन सेकेंड मतलब सेकेंड इनवर्स तो अगर आपको प्लैंक स्थिरांक का प्लैंक के कांस्टेंट का ऐसा ही मात्रक चाहिए हो तो ऊपर क्या आ रहा है ऊर्जा नीचे क्या आ रही ऊर्जा का मात्रक जूल का मात्रक सेकेंड इनवर्स तो जूल सेकेंड इनवर्स जो है वो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा और ये वैल्यू आप याद कर सकते हो चाहो तो सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू दस की घात माइनस क्लियर तो अभी अभी आपने सीखा कि जो तरंग है उसके अंदर एनजी छोटे छोटे पैकेट है और इसको हिंदी में फोटोन भी कहते हैं बढ़िया जी आगे बढ़े जी चलो अब जिसने दुनिया को हिला के रख दिया जिसने नीर बोल की दुनिया हिला दी उसका नाम था डी ब्रोगली डी ब्रोगी बोलते हैं वैसे इसको डी ब्रोगली लिखते हैं इंग्लिश में ब्रोगली है पर बोलते हैं ब्रोगी है हिंदी की किताबों में देखोगे तो आपको ब्रोगली ही लिखा हुआ मिलेगा तो अब इनका नाम बिगाड़ा हुआ है अब उसका तो अपन क्या करें बस हम यह है कि इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं और तो क्या देखो डी ब्रोगली ने बहुत बड़ी बात बोली अब इस बात को समझना अच्छे से ना बहुत मजा आएगा आपको डी ब्रोगली ने कहा कि जैसे लाइट है प्रकाश है लाइट के पास बोले दो तरह का नेचर होता है प्रकाश की बात कर रहे हैं अपन पहले क्या मानते थे अपन कि प्रकाश केवल और केवल ऊर्जा है प्रकाश केवल और केवल तरंग है प्रकाश तरंग भी होता है और प्रकाश कण भी होता है प्रकाश तरंग भी होता है और प्रकाश कण भी होता है कण मतलब होता है पार्टिकल अब यहां आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आएगा और तरंग का मतलब होता है वेव तो प्रकाश जो है वो तरंग भी है और प्रकाश जो है वो कण भी है ये दोनों नेचर प्रकाश के पास होते हैं ऐसे ही डीब्रोगली ने कहा कि ऐसे मान लो आपके पास एक एम द्रव्यमान का पार्टिकल है तो ये एम द्रव्यमान का जो कण है वो कण तो है ही साथ में तरंग भी है कण भी है तरंग भी है कण भी है तरंग भी है कण भी, भी है तरंग भी है इलेक्ट्रॉन जिसकी आप बात कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉन कण भी है तरंग भी है इस मार्कर की आप बात कर रहे हो ये मार्कर कण भी है तरंग भी है। आप मेरी बात कर रहे हो मैं कण भी, भी हूं आप जिस लैपटॉप से देख रहे हो वीडियो को मोबाइल से देख रहे हो वो कण भी है तरंग भी है तरंग वही वेव, कण वही, पार्टिकल आप जिस कैमरे से मैं वीडियो शूट कर रहा हूं वो तरंग भी है वो कण भी है इस दुनिया में हर किसी का दोहरा व्यक्तित्व है हालांकि इस बात को तो मैं एक ही एग्जाम्पल से प्रूव कर सकता हूं वो ये है है कि आप लोगों का व्यक्तित्व बदल जाता है। अगर अपने दोस्त के साथ में हो तो आपके बातचीत करने का तरीका आपके रहन सहन का तरीका आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो सब अलग निकलते हैं उनका टोन ऑफ वॉइस भी अलग होता है और आपके बोलने के अल्फाज भी अलग होते हैं और वही अपने पापा के सामने जब जाके आप खड़े होते हो मम्मी के सामने खड़े होते हो तो आपके बात करने का तरीका अलग होता है आपके बात करने का अंदाज अलग होता है तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि आपके पास ड्यूल नेचर है, दोहरा व्यक्तित्व है आपके पास आप जब दोस्त के साथ में हो तो आप अलग प्रकार के हो और आप जब घर पर हो तो आप अलग प्रकार के हो अब होता यह है कि आपके दोहरे व्यक्तित्व में से कभी कभी कोई एक व्यक्तित्व किसी इंसान के अंदर बहुत ज्यादा नजर आता है कहने का मतलब अगर घर वालों ने बचपन से बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं स्ट्रिक्ट माहौल में आपको रखा है तो आप जैसे घर पे प्यार से शालीनता से बात करते हो हो सकता है कि आप बाहर भी लोगों से वैसे ही बात करते हो तो फिर आपका दौरा व्यक्तित्व तो इतना अच्छे से नजर नहीं आएगा और अगर आप ये देखें कि आप बचपन से हॉस्टल में रहे हो और हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ में आपने जिस तरह से बात की है वही आपका नेचर बन चुका है तो आप घर पर भी आके कहीं ना कहीं वो असर दिखाओगे मेरा कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि इंसान के अगर दो नेचर हैं तो वो 50 परसेंट फिफ्टी परसेंट ही नजर आए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक नेचर ज्यादा शो होता है और दूसरा जो उसका कैरेक्टर है वो कम शो होता है बिल्कुल ऐसा ही यहां पर भी होता है क्या कहना चाह रहा हूं समझिए इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल तो मैं डेली लाइफ का आपको दे दिया एक और देता हूं आप पंखे को देखो अपने छत के ऊपर पंखा है उसको अभी देखो पंखे की पंखुड़ियां आपको नजर आ रही होंगी जो पंखा है उस पंखे की जो पंखुड़ियां हैं, वो पंखुड़ियां आपको बहुत अच्छे से नजर आ रही होंगी परंतु आपको पता है जब यही पंखा जोर जोर से घूमना शुरू कर देता है तो आपको इसी पंखों की पंखुड़ियां दिखना बंद हो जाती हैं। इसका मतलब जब वो रुका हुआ था तो वो कण था जिसको आप देख पा रहे थे और जब वो बहुत तेज, तेज 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 चल रहा है तो वो कहीं हद तक तरंग वाले गुण में आ गया है इसलिए अब आपको नजर नहीं आ रहा मतलब हर किसी के पास एक गुणधर्म होता है अब जरा इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान होता है नाइन पॉइंट वन इंटू दस के घात माइनस इकतीस के कितना है कम है बहुत ही कम है इलेक्ट्रॉन का वेग पता है आपको कितना है नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है टू पॉइंट के घात छह मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसने बताया है? मैंने तो बताया था कल परसों में बोर के मॉडल से डेरिवेशन किया था ना याद है ना भूल तो नहीं गए तो यहाँ पे जो वेग का फॉर्मला निकल के आया था वो ये तो निकल के आया था पहले वाले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन का वेग है अब आप देख सकते हो ये जो वेग है ये कितना ज्यादा है मतलब जो इलेक्ट्रॉन है सुना ध्यान से जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी से चक्कर लगा रहा है 2.18 पॉइंट वन एट इंटू दस के गीटर प्रति सेकेंड समझो ये वैल्यू कितनी है बहुत ज्यादा है ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ बहुत तेज स्पीड से घूम रहा है द्रव्यमान उसका बहुत कम है इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन इतने कम द्रव्यमान के साथ इतनी तेजी से नाभिक के चारों तरफ घूमेगा तो उससे बनने वाली जो तरंग है उससे बनने वाला जो वेव है वो बहुत ही अच्छी दिखाई देगी मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जो तरंग वाला गुणधर्म है वो भी काफी अच्छा है काफी बढ़िया सा गुणधर्म है उसके पास तो डी ब्रोगली ने कहा कि जिस इलेक्ट्रॉन को तुम कण मान करके डेरिवेशन कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में नाभिक के चारों तरफ जब घूम रहा है तो उसका तरंग वाला गुणधर्म ज्यादा प्रभावी है वहां पे उसके वेव नेचर को तुम लोग इग्नोर कर रहे हो इलेक्ट्रॉन जो है तुम्हारा वो कण भी है और तरंग भी है तुमने जितने भी डेरिवेशन कर लिए वो सारे के सारे कण मान के कर लिए तुमने इलेक्ट्रॉन को तरंग माना ही नहीं और यह सुनकर के बोर पसीना पसीना हो गया और बोर के मॉडल की सबसे पहली कमी हमें समझ में आ गई कि जिस इलेक्ट्रॉन को हम कर्ण मान करके देख रहे थे वो इलेक्ट्रॉन तो लास्ट में तरंग निकला है तो वो कण भी है तरंग भी है बट इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है कि वहां पर अच्छा खासा उसका वे वाला नेचर जो है वो दिखाई दे रहा है समझ आया एक और बात बताऊं क्या आपको बढ़िया एक और एग्जाम्पल दू अच्छा वाला जिससे आपको मजा आ जाएगा एक और एग्जाम्पल दू मैं आपसे पूछता हूं चलो कुछ एक बंदूक है उस बंदूक की जो गोली है वो जब चल रही है और एक कार चल रही है या कोई जीप चल रही है दोनों में से कौन सी अच्छी तरंग बनेगी बंदूक की गोली या कार दोनों के चलने पर कौन सी तरंग अच्छी बनेगी किसकी तरंग मतलब इसके अंदर तरंग का गुणधर्म ज्यादा देखने को मिलेगा या कण का और इसके अंदर कण का ज्यादा देखने को मिलेगा या तरंग का कौन अच्छी तरंग बनेगी दोनों में से बंदूक की गोली बंदूक की गोली बारिश आ रही है बारिश आ रही है तो नालो नालो बारिश आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है बाद में देख लेना क्लास ऐसी भी क्या बात है तो बंदूक की गोली जब जाएगी तो अच्छी तरंग बनेगी या इस ट्रक के चलने से ऑब्वियस बात है बंदूक की गोली का द्रव्यमान बहुत कम है और बंदूक की गोली का जो वेग है वो बहुत ज्यादा है तो जब बंदूक की गोली चलेगी तो हमें अच्छी खासी तरंग देखने को मिलेगी सही है और तरंग जब अच्छी होती है तो तरंग के अच्छे होने का मतलब यह है कि आप उस तरंग के गुणधर्म को फील कर पाओगे उस तरंग के गुणधर्म को देख पाओगे और जब ये आपकी कार चलेगी तो इसका द्रव्यमान भी बहुत ज्यादा है और वेग भी इतना नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि इससे जो तरंग बनेगी उसका गुणधर्म इतना कम होगा कि हमें यहाँ पे तरंग वाला गुण उतना नजर नहीं आएगा तो इस प्रकार से ये कहा गया था डी ब्रोगली ने कहा, कहा था कि जब एक एम द्रव्यमान की वस्तु अब सुना ध्यान से डी ब्रोगली ने क्या बोला था पहली बात तो उसने ये स्पष्ट कर दी थी कि यदि कोई भी कण है तो उसके पास दो गुणधर्म है एक तो कण का और एक तरंग का तरंग वाला गुणधर्म तब देगा जब वो वस्तु का जो द्रव्यमान है, है उनका गुणनफल द्रव्यमान और वेग का गुणनफल पता है आपको क्या होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग तो उन्होंने कहा कि यदि किसी का संवेग बहुत ज्यादा है तो उसका उससे बनने वाली जो तरंग है वो भी बहुत अच्छी होगी और वहां पे आपको जो तरंग वाला गुणधर्म है वो ज्यादा देखने को मिलेगा तो इसने कहा था कि अगर एक एम की वस्तु वी वेग से चलती है तो वो जो तरंग के समकक्ष होगी उस तरंग का जो लेमड़ा है वो व्यक्त मानुपाती होगा संवेग के अब मुझे नहीं लगता इसको समझना इतना मुश्किल है अगर एक हाथी भाग रहा होगा तो आपके हाथी के भागने पर जो तरंग बन रही है वो तरंग इतनी गंदी है इतनी बुरी है कि वहां पे आपको हाथी का तरंग वाला गुणधर्म समझ में नहीं आएगा परंतु अगर उसी की जगह गोली जाती है तो शक से निकल जाएगी और गोली इतनी तेज जा रही है उसका संवेग इतना ज्यादा है कि वहां पे उसका तरंग वाला गुणधर्म आपको फील होगा तो यही बात कही है, जितना संवेग ज्यादा होगा उतना लेमड़ा कम होगा और वेव उतनी ही अच्छी बनेगी क्योंकि कम लैमड़ा का मतलब यह है कि एक सेकंड में ज्यादा वेव गुजरेगी क्योंकि आप सोचो अगर लैमड़ा कम है इसका मतलब क्या है कि एक वेव को निकलने में एक वेव छोटी है एक छोटी वेव का मतलब समझ हो, क्या है? छोटी वेव 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 का मतलब यह है है कि जल्दी 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 बन जाएगी कम है, वेव जल्दी बनेगी वेव जल्दी बनेगी तो एक सेकंड में ज्यादा से ज्यादा वेव आपकी नजरों से गुजरेगी तो आपको वेव वाला गुणधाम नजर आएगा और यहीं पर अगर पी बहुत ज्यादा है तो तो तुमने बताई दिया पी अगर बहुत कम है जैसे ट्रक के केस में तो पी बहुत कम है तो लैमड़ा बहुत ज्यादा होगा तो जो तरंग बन भी रही होगी उसका लैमड़ा इतना ज्यादा है कि आपको एक सेकंड के अंदर हो सकता है एक भी तरंग गुजरती हुई नजर नहीं आए तो आपको तरंग वाला गुणधर्म फील ही नहीं होगा हो बेटा हो कि जैसे लैमड़ा वृत कमाती है पी के राइट अगर तेज स्पीड है तो लैमड़ा कम होगा लैमड़ा कम होने का मतलब क्या है आपकी वेव कुछ इस तरह की होगी आपकी वेव कुछ इस तरह की होगी लेमड़ा कम है ना तो वेव इस तरह की होगी आप देख सकते हो लेमड़ा बहुत कम है छोटा है पी बहुत ज्यादा है लैमड़ा बहुत कम है और अगर पी बहुत कम हुआ तो लैमड़ा बहुत ज्यादा होगा लैमड़ा बहुत ज्यादा होने का मतलब पता है क्या है ऐसी ऐसी स्थिति होगी मान लो ये बात हो रही है एक सेकेंड की यहां एक सेकंड में कितनी वेव बन गई गिनो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ साढ़े आठ साढ़े आठ नहीं एट वन वेव बन गई एक सेकंड में और यहां एक सेकंड में कितनी वेव बनी ओनली वन तो कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा पी ज्यादा होगा जितना ज्यादा पी ज्यादा होगा उतना ही आपका लैमड़ा कम होगा और जितना लेमड़ा कम होगा तरंग गुणधर्म आपको उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा और आपको पता है एक और कहानी सी इज इक्व होता है, मु। तो मु होता है C लेम्डा। मतलब लैमड़ा जितना कम होगा म्यू उतना ही ज्यादा होगा और एनर्जी का फॉर्मूला होता है इज इक्व टू एच म्यू म्यू जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी <laughs> रिलेट कर पाए आप

उतना उस तरंग की ऊर्जा भी कम होगी और वो तरंग बनने से पहले ही खत्म हो जाएगी तो वहां पे आपको तरंग का गुणधर्म नजर नहीं आएगा ये सारी बातें समझ पा रहे हो रिलेट कर पा रहे हो तो इसने डी ने कहा कि जब भी कोई पदार्थ पदार्थ को बोलते हिंदी में द्रव्य जब भी कोई पदार्थ की तरंग बनती है जैसे कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है अगर कोई एम द्रव्यमान की वस्तु वेग से चल रही है और उससे जो तरंग बनती है उस तरंग का जो लेता है वो होता है आपके कण के संवेग के जो कहानी मैंने अभी आपको समझाई और जब इस समानुपाती के चिन्ह को आप हटाते हो तो यहां पे जो कांस्टेंट है वो वही आता है जिसको आप जानते हो प्लैंक कांस्टेंट और यहां से जो फॉर्मूला बन के आता है लेमड़ा इज इक्वस टू तो एच अपॉन में एम इन टू वी और इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉन का m इंटू वी इतना m इंटू वी की बात करें अगर इलेक्ट्रॉन के लिए तो इलेक्ट्रॉन का वेग बहुत ही ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का वेग बहुत ही ज्यादा है समझ गए कमेंट करके बताओ जल्दी से बोलो क्लियर करो और कभी कभी पता है क्या होता है इस बात पे भी ध्यान देना होता है कभी कभी इस बात को भी समझना होता है कि लेमड़ा इतना कम भी नहीं आ जाए कि अपन उसको मेजर ही नहीं कर पाए ये भी होता है कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक कंसेप्ट तो मैंने आपको ये समझा दिया ये भी ठीक है बाकी एक कंसेप्ट ये भी होता है कभी कभी कि लेमड़ा इतना कम भी नहीं आ जाए कि आप उसको मेजर ही नहीं कर सको तो भी पंगा है इसको मतलब एक पैरामीटर पे देखना ठीक नहीं है इसको बहुत सारे पैरामीटर्स पे चेक करना पड़ेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ भी अच्छे से देखना जैसे मान लीजिए एक आपके पास बॉल है दस ग्राम की और वो दस ग्राम की बॉल जो है वो दस मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ रही है ठीक है ये ज्यादा प्योर कॉन्सेप्ट मैं आपको अब समझा रहा हूँ ठीक है ये ज्यादा प्योर कॉन्सेप्ट है वापस समझना इसको हर तरह से देखना पड़ता है चीजों को दस ग्राम की बॉल है आपके पास और वो दस ग्राम की जो बॉल है वो दस मीटर प्रति सेकंड के वेग चल रही है और जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान है 9.1 पॉइंट दस की घात माइनस इकतीस के और वो चल रहा है उसका वे कितना पता लगाना है कि दोनों में से अच्छी वेव कौन सी है दोनों में से किसका लैमड़ा सही आ रहा है चेक करते हैं इसके लिए अगर लैमडा निकालें तो लैमरा इज इक्वल टू एच अपन एम वी एच का मान कितना है सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू दस की घात माइनस चौतीस एम कितना है तो ये जो वैल्यू निकल करके आएगी इलेक्ट्रॉन के लिए वो निकल के आएगी थ्री एंगस्ट्रॉम मतलब तीन इंटू दस की घात माइनस दस मीटर ये लेमड़ा निकल करके आएगा राइट right? समझ रहे हो? और अगर इसके लिए निकालोगे, तो H, 10 की 34, गुणा हो जाएगा इंटू दस मीटर पर सेकेंड दस की घाट दो से एक दस गया सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू दस की घात माइनस चौंतीस इंटू दस की घात एक ओके इस दो से ये दो गया तो ये आ गया सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू दस की घात माइनस तैतीस अब अगर इसके बारे में बहुत अच्छे से सोचें तो आपको एक बात समझ में आई ये लैमड़ा इतना कम है लैमड़ा इज वेरी लेस, देख लो लैमड़ा इतना कम है इतना कम है इतना कम है, इतना कम है कि आप वेव को फील ही नहीं कर पाओगे मैंने आपको अभी अभी समझाया था कि लेमड़ा का कम होना ठीक बात है बट लेमड़ा का इतना कम होना भी ठीक बात नहीं है कि वेव दिखाई नहीं दे आपको तो जो रियल कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं अब समझा रहा हूं लैमड़ा इतना कम भी इतना कम लेमड़ा का मतलब पता है क्या है वेव बनी नहीं है एक्चुअल में ये पॉसिबल ही नहीं है इस 6.6 पता है कितनी वैल्यू है 6.626 पॉइंट सिक्स टू सिक्स डिवाइड बाय दस की घात तैतीस इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है कि वेव बनी नहीं है क्योंकि आप देखो ना छ पॉइंट छह दो घात बासू सिक्स डिवाइड बाय एक दो तीन चार पांच छह ऐसे कितने जीरो लगाने हैं तैतीस जीरो लगेंगे जब इसका डिवाइड होगा तो आंसर आपका मीटर में आएगा कितना कम कितनी छोटी होगी आपकी लैमड़ा की वैल्यू इतनी ज़्यादा छोटी हो जाएगी कि आपको वेव फील ही नहीं होगी इसका मतलब यहां पे जो वेव प्रैक्टिकली पॉसिबल है हां वैल्यू का लैमड़ा पॉसिबल है और इस वैल्यू की वेव भी बन सकती है तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे चेक करना पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन को अगर क्रिकेट बॉल के साथ में कंपेयर करें तो अच्छी बात यहां पर यह निकल करके आ रही है जो सबसे अच्छी बात है वो यह है कि यहां पर लैमड़ा इतना कम है यहां पर फील ही नहीं होगी आपको यहां में इतना है कि मापन संभव है यहां मापन ही संभव नहीं है इसीलिए पता है क्या होता है जब अपन बॉल को ऐसे फेंकते हैं ना तो बॉल को फेंकने से हमें बॉल तरंग की तरह नजर नहीं आती बॉल दिखती रहती है हमको जब बॉल हमारे पास आ रही है बॉल कहां से आ रही है यही बंदूक की गोली आपके पास आएगी आपको नजर नहीं आएगी यही इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक अच्छी खासी वेव बन रहा है इलेक्ट्रॉन को पकड़ना मुश्किल है तो लैमड़ा का एक पैरामीटर नहीं है आप केवल और केवल उस बात में जजमत कर लेना जो मैंने आपको भी बताया जो इसके जस्ट पहले समझाया वो एक पॉइंट है अपने आप में कि लेमड़ा का ज्यादा होना कम ऊर्जा बताता है वेव की और का कम होना ज्यादा ऊर्जा बताता है पर कभी कभी हम हमेशा उस पैरामीटर पर पे जज नहीं कर सकते क्योंकि लैमड़ा एटलीस्ट इतना तो हो जो संभव हो लैमड़ा एटलीस्ट इतना तो हो जिसका मापन हो सके इतना तो हो कि वेव बन सके तो यहां पे उस पैरामीटर के बेस पे आप जज करेंगे और यही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बताओ ठीक है ना समझ में आ गई मेरी बात यहां तक बताइए कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की कोई समस्या है यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया सबको कोई दिक्कत नहीं है तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि लेमड़ा जो है आपका वो इतना तो हो कि मापन संभव हो सके तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एक अच्छी वेव बन पाएगा और जो दूसरा है वो एक अच्छी वेव नहीं बन पाएगा ये बात समझ में आ गई सबको कॉपी कर लो इसको अच्छे से फिर आगे बढ़ते हैं तो डी ब्रोगली की अगर कहानी को अपन सीधा सीधा मोटे मोटे तौर पर समझें और डी ब्रोगली की कहानी को मोटे मोटे तौर पर लिखें तो एक ही पॉइंट समझ में आता है इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से मत ही देखना मैं इसको आपको बस हल्का सा फील करवाने के हिसाब से बोल रहा था बाकी इस कॉन्सेप्ट को यहाँ इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में आप मत देखना ओके इसके बेस पर आप इलेक्ट्रॉन को सही तरीके से जज नहीं कर पाओगे और फिर आपको मज़ा नहीं आएगा तो इसको मत देखना इलेक्ट्रॉन के केस में इस तरह से देखिए कि इलेक्ट्रॉन का जो लैमड़ा है वो इतना बन पा रहा है इलेक्ट्रॉन का लेमड़ा इतना है कि हाँ उसका मापन संभव है और इलेक्ट्रॉन से बनने वाली वेव अच्छी बनेगी और यहीं अगर आप 10 ग्राम की बॉल लोगे तो 10 ग्राम की बॉल से उतनी अच्छी वेव नहीं बनेगी ठीक है पक्का यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना समझ में गया अच्छे से आगे बढ़े चलो जी अब हम पढ़ने जा रहे हैं डी ब्रोगली का हो गया है अब हम आगे बढ़ेंगे और किसके बारे में बात करेंगे हाइजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत चलिए देखिए हेडिंग लगाइए आइजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत तो बहुत सिंपल चीज है आ गया समझ में आ गया नो डाउट बढ़िया अब अगर मैं इस टॉपिक के बाद में एकदम सिंपल सा आपको क्रक्स बताऊं टॉपिक का कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है जिसकी सहायता से आप एक ही बार में उतना ही पढ़ के आपको आगे बढ़ना है 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 क्रक्स बहुत सिंपल सबसे पहले आपने पढ़ा प्लैंक प्लैंक थ्योरी थ्योरी आपको ये बताती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके अंदर एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो एक तरह से यह कण सिद्धांत के बारे में बताती है ये लाइट को क्या मान के चल रही है कण मान के चल रही है तो यह बोल रहा है कि लाइट के अंदर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट हैं

वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है मोटी मोटी बात समझो इलेक्ट्रॉन कण की तरह भी बिहेव भी करता है और इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह भी बिहेव भी करता है ये इन्होंने कहा था और ये केवल इनकी परिकल्पना थी ऐसा ये इमेजिनेशन कर रहे थे हालांकि आने वाले समय में थोड़े टाइम बाद में एक, एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम था उस एक्सपेरिमेंट का नाम था आपका डेविसन और जर्मर का प्रयोग डेविसन और जर्मर प्रयोग उस प्रयोग से यह बात सिद्ध हो गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तरंग की तरह भी कार्य करता है तो पहले हम इलेक्ट्रॉन को के केवल कड़ी मानते थे तरंग नहीं मानते थे डी ब्रोगली ने सबसे पहले अपनी परिकल्पना दी कि आपका इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति भी व्यवहार करता है ये केवल उनकी सोच थी परंतु कुछ समय पश्चात डेविसन और जर्मर का एक प्रयोग हुआ जिससे ये एक्चुअल में सिद्ध हो गया कि हाँ ये सच है इलेक्ट्रॉन आपके तरंग की भांति व्यवहार करता है और इन्होंने कहा कि अगर एक एम द्रव्यमान की वस्तु वी वेग से चलती है तो उससे बनने वाली जो तरंग है जिसको हम लोग द्रव्य तरंग कहते हैं द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है द्रव्य तरंग कहते हैं उस तरंग का लेमड़ा का फॉर्मूला होगा एच अपॉन एम वी और यहां मैंने आपको लास्ट में बोल दिया कि आप लैमड़ा का मान इतना होना चाहिए कि हम उसको मेजर कर सकें और लैमड़ा का मान संभव हो तो इलेक्ट्रॉन के लिए लेमड़ा का मान इतना आता है कि हाँ वो संभव है इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन तरंग की बातें व्यवहार करता है हमारे आसपास की जो दुनिया है उसके अंदर जैसे मान लो मैं चल रहा हूं हाथी का बच्चा चल रहा है कार चल रही है पंखे घूम रहे हैं एक बॉल हम बॉल के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं वॉलीबॉल खेल रहे हैं इन सब गेम के अंदर क्या है आपकी जो भी वस्तु है वो जिस वेग से चल रही है उस वेग से जब अपन लेमड़ा निकालेंगे तो वो लेमड़ा उतना नहीं आएगा कि उससे आप एक वेव के बारे में विचार कर सको या उससे वेव का गुणधर्म आ सके ठीक है इलेक्ट्रॉन के केस में जो लैमड़ा आ रहा है हाँ सच में वो इस लेवल का है कि हाँ हम बोल सकते हैं कि वो वेव है बाकी हमारे आसपास की दुनिया में आपको इस प्रकार का कोई भी पैटर्न नहीं मिलेगा जहां पे द्रव्य से पदार्थ से जो तरंग बन रही हो उसका लैमड़ा इतना हो कि आप उसको तरंग की तरह फील कर सको ये केवल और केवल छोटे केवल और केवल छोटी जगह पे अप्लाई होगा इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है बेटा तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है बहुत छोटे को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक क्या बोलते हैं उसको माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म जो चीजें हैं उनके ऊपर आपको द्रव्य तरंगों का सही से देखने को मिलेगा और पता है जो फिजिक्स में आपको पढ़ा रहा हूं ना ये एक्चुअली पार्ट केमिस्ट्री का है बट पढ़ा अपन केमिस्ट्री में रहे इसको बट ये एक्चुअली में फिजिक्स है और इसका नाम है क्वांटम फिजिक्स इसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं आपने नाम सुना भी होगा आइंस्टीन भाई साहब ने बहुत काम किया है इस फिजिक्स पे क्वांटम फिजिक्स और पता है प्लैंक ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी प्लैंक ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि अगर कोई इंसान सुनना वो बहुत बड़ी बात प्लैंक ने क्या कहा था अगर कोई इंसान ये बोलता है ना कि उसको क्वांटम फिजिक्स आती है प्लैंक ने यह कहा था कि अगर कोई इंसान ये बोलता है ना कि उसको क्वांटम फिजिक्स समझ में आती है तो इसका मतलब यह है कि या तो वो इंसान झूठ बोल रहा है या वो इंसान पागल है सीधी बात है या तो एक पागल ये बोल सकता है कि उसको भी आती है या फिर कोई इंसान झूठ बोल रहा हो तब ये बोल सकता है कि मुझे क्वांटम फिजिक्स आती है इतना खतरनाक टॉपिक है ये हम जो पढ़ रहे हैं वो क्वांटम फिजिक्स का जूती के बराबर भी नहीं है जूती के नौक के बराबर भी नहीं है इसलिए आपको जो भी बातें मैं यहां पे बता रहा हूं आप उन बातों को एज अ पॉइंट बस ध्यान रखिएगा कि सर ने क्या कहा था सर ने कहा था कि प्लैंक थ्योरी यह है कि जो विद्युत चुंबक के तरंगे होती हैं उनके अंदर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं जिनको क्वांटा बोलते हैं और हर एक क्वांटा की ऊर्जा होती है ईज इक्वल टू एच यू के बराबर प्लैंक थ्योरी जो है वो लाइट को कण की तरह मान करके बात करती है डी ब्रोगली ने कहा था कि जब भी कोई द्रव्य जब भी कोई पदार्थ गति करता है तेज गति करता है तो उससे तरंग बन सकती है और हर एक कण जो है वो दो तरह का नेचर रखता है वो कण भी है और वो तरंग भी है और अगर एक एम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चलती है तो उससे जो तरंग बनती है उसके लैमड़ा का फॉर्मूला है लेमड़ा बराबर एच अपॉन एम व्यू और जब आप माइक्रोस्कोपिक पे बात करते हो छोटी चीजों पे बात करते हो जैसे कि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का वेग और द्रव्यमान इस लेवल का है कि उससे जो लेमड़ा बनता है वो लेमड़ा का मापन संभव है उस लैमड़ा को आप फील कर सकते हो और उस लैमड़ा से बनने वाली तरंग भी एग्जिस्ट करेगी दुनिया में रहेगी जबकि अपने आसपास के वातावरण में जो लैमड़ा बन रहा है वो लैमड़ा उतना नहीं है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो इसलिए हमें हमारे आस द्रव्य से बनने वाली तरंगों की फीलिंग नहीं आ पाती इसलिए हम कभी भी ये चीज़ फील ही नहीं कर सकते कि ये जो कैमरा है ये कण भी है और तरंग भी है हम फील ही नहीं कर सकते हमको लगता है केवल कण है उसको फील कराने के लिए मैंने आपको दो चार एग्जाम्पल दिए कि जैसे अगर तेजी से आपकी नजरों के सामने से बंदूक की गोली जाती है तरंग की फीलिंग आ आ रही है, आ रही है 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 पंखा पंखुड़ी आपको नजर जब ये बहुत तेज घूमता तो नजर नहीं आती कि आपको तरंग की फीलिंग आ रही है ये फीलिंग देने के लिए ठीक है बाकी एक्चुअल में जो लैमड़ा है जिसका मापन संभव है वो आपको इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही देखने को मिलेगा इसलिए क्वांटम फिजिक्स जो है परमाणु के अंदर अच्छे से काम करती है परमाणु के बाहर बड़े लेवल पे बड़े लेवल को बोलते हैं बेटा मैक्रोस्कोपिक लेवल मैक्रोस्कोपिक न्यूटन की फिजिक्स लगती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चलती है क्वांटम फिजिक्स और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चलती है न्यूटन की फिजिक्स और न्यूटन की फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं तो जब आपकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होने लगती है तब ये फिजिक्स होती है मतलब जब आपकी चाल प्रकाश के चाल के आसपास होगी तो ये फिजिक्स होगी और जब आपकी चाल प्रकाश की चाल से बहुत बहुत कम होगी तो न्यूटन की फिजिक्स लगेगी क्वांटम फिजिक्स लगेगी पता नहीं क्या पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको आज काफी सारी बातें बता दी ताकि आप लोग ये समझ सको कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो कितनी इंपॉर्टेंट है क्लियर हो गया सबको अब हाइजन का अनिश्चितता का सिद्धांत एक ही बार में समझ में आ जाएगा सुनिए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक बात का एहसास तो कर लो कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भाग रहा है जूम ऐसे एकदम तेजी से भाग रहा है नाभिक के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भाग रहा है नाभिक के चारों तरफ और आपने जाकर के उसकी स्थिति का पता लगाने की कोशिश करी सोचो अगर आपको एक नाभिक की स्थिति का पता लगाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को रुकना चाहिए तभी तो हम बताएंगे उसकी स्थिति कहा है और अगर एक इलेक्ट्रॉन के संवेक का पता लगाना है संवेक क्या होता है पी और स्थिति क्या होती है एक्स अगर आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाने जाओगे तो आप कभी भी संवेक का पता नहीं लगा सकते क्योंकि स्थिति का पता लगाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को रोकना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से नाभिक के चारों तरफ चक्कर रहा है कि अगर आप उसकी स्थिति बताने जाओगे तो आप उसके संवेग के बारे में बात नहीं कर सकते और अगर आप इलेक्ट्रॉन के संवेग के बारे में बात करोगे तो आप उसकी स्थिति के बारे में बात नहीं कर सकते तो ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन का संवेग यह एक साथ बता पाना संभव ही नहीं है <coughs> दिमाग के पूरे घोड़े खोलोगे ना तब जाके टॉपिक समझ में आएगा उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन को अगर आप रोक दोगे तो संवेक का पता नहीं चलेगा और संवेक का पता लगाने जाओगे तो इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं सकते तो संवेक का पता लगाने के लिए चलना जरूरी है और स्थिति का पता लगाने के लिए रुकना जरूरी है और दोनों का एक साथ पता लगाओगे तो एक्यूरेट वैल्यू निकालना संभव ही नहीं है तो ये बात समझ में आती है आपकी कि आप किसी भी हालत में इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत बड़ी बात बोली थी हाइजन ने दुनिया हिला के रख दी थी आइजनबर्ग ने कहा था कि आप कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हो आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति निकालने जाओगे तो उसका संवेग गलत आएगा, और अगर आप इलेक्ट्रॉन का संवेग निकालने जाओगे तो उसकी स्थिति गलत आएगी इसलिए हाइजनबर्ग का सिद्धांत यह है कि आप इलेक्ट्रॉन का संवेग और उसकी स्थिति एक साथ कभी भी परिकलित नहीं कर सकते ये हाइजनबर्ग ने अपनी सिद्धांत में कहा था अब कमेंट करके बताओ सब बच्चा आपको कमेंट पढ़ रहा हूं मैं कि आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट जल्दी से बताओ क्लियर है सही है ना मतलब अपन कभी भी इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग आप कभी भी साथ साथ एक साथ एक साथ एक्यूरेटली मेजर कर ही नहीं सकते एक्यूरेटली मेजर हो ही नहीं सकता अगर आप इनको साथ साथ मापने जाओगे तो स्थिति के अंदर भी गलती होगी और के अंदर भी गलती होगी। वापस एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए हम उसकी स्थिति और संवेग का जो मापन है वो एक साथ बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में नहीं कर सकते गलती होगी ही होगी अगर अपन सही से स्थिति मापेंगे तो संवेग गलत आएगा संवेग मापेंगे तो स्थिति गलत आएगी और उनके अंदर जो गलती हो रही है स्थिति में गलती मतलब स्थिति में गलती स्थिति में एरर स्थिति में अनिश्चितता बोलेंगे इसको संवेग में अनिश्चितता इनका जो गुणनफल है जब भी आप इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी स्थिति और संवेग मापने जाओगे साथ साथ एक साथ तो स्थिति में जो गलती हो रही है और संवेग में जो गलती हो रही है उनका जो वर्णन फल है वो एच अपॉन फोर पाई से बड़ा आएगा या एच अपॉन फोर पाई के बराबर आएगा यह है हाइजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत उन्होंने पता है क्या बोला उन्होंने कहा कि अगर आप ये कोशिश करोगे कि स्थिति में अनिश्चितता जीरो हो मतलब आप ये कोशिश करोगे कि मैं इलेक्ट्रॉन की स्थिति एकदम सही माप लू तो आप उसके संवेग को मापने में सबसे बड़ी गलती करोगे मतलब संवेग में गलती इंफिनिटी आएगी अगर आप स्थिति मापने जाओगे अगर आप स्थिति मापने जाओगे तो संवेग मापने में गलती अनंत हो जाएगी और अगर आप संवेग मानने में गलती जीरो करने जाओगे तो स्थिति मापने में, में गलती अनंत हो जाएगी कितनी बड़ी बात बोली थी कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन की स्थिति जानने की कोशिश करी तो आप उसका संवेग में गलती अनंत कर दोगे और आपने अगर इलेक्ट्रॉन का संवेग मापने की कोशिश करी बिल्कुल सही सही संवेग में गलती जीरो करने की कोशिश करी गलती है ये एरर अगर संवेग में एरर आपने जीरो करने की कोशिश की तो गलती स्थिति मापने में गलती अनंत हो जाएगी इसलिए उसने कहा कि इन दोनों को साथ साथ मापोगे तो जो गलती का गुणनफल है गलती का गुणनफल अनिश्चितता का जो गुणनफल है वो एच अपॉन फोर या तो बराबर आएगा या उससे ज्यादा आएगा उससे कम नहीं हो सकता आपको गलती मिलेगी ही मिलेगी आप साथ साथ कभी भी स्थिति और संवेग को मेजर नहीं कर सकते आगे समझ में आता दिमाग के घोड़े खुले आज थोड़ा पढ़ने पे समझ तो में आया कि इतना आसान नहीं है केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग बहुत है बहुत इंटरेस्टिंग है बट हां ये सारी मेहनत आप कर रहे हो स्टार्टिंग से इस चैप्टर को आपने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर थर्ड लेक्चर फोर्थ लेक्चर लाइन से सारे लेक्चर देखे ना तब जाकर के आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा क्लियर अदरवाइज ये आपको जब पढ़ते ना अपन तो अगर हम लाइन से नहीं देख रहे हैं तो आज आपके ऊपर से आ रहा होगा समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ क्लियर इसकी थ्योरी आपको कल बताऊंगा मैं इसकी पीपीटी कल दिखाऊंगा और सारी थ्योरी लाइन से बताऊंगा एक बात और याद रखें यहां से एक बात और समझ में आती है बहुत अच्छी बात समझ में आती है कि बोर के मॉडल की कमी क्या थी बोर ने अपने फॉर्मूले में आपको याद है नाभिक के चारों तरफ अलग अलग कोश होते हैं वो नाभिक से कितनी दूरी पर हैं आर वन आर टू ये सब निकाल दिया था ना आर वन आल टू के फॉर्मूले निकाले थे ना अपने बोर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन कितने वेग से घूम रहा है वी वन कितने वेग से घूम रहा है वी टू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारे पास है ही तो पता है बोर क्या कर रहा था बोर स्थिति बता रहा था आर वन आर टू आर थ्री बोर वेग भी बता रहा था वी वन v3 टू वी थ्री और वी वन v3 टू वी थ्री से आप क्या निकाल सकते हो एम इन टू वी वन मतलब संवेग तो बोर के मॉडल में बोर ने इलेक्ट्रॉन की स्थिति भी बता दी थी आर वन आर टू के रूप में और साथ साथ इलेक्ट्रॉन का वेग भी बता दिया था वी वन टू जबकि हाइजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यह सिद्ध कर चुका है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग एक साथ बताना संभव ही नहीं है तो बोर ने जो किया वो गलत था यही बोर के मॉडल की सबसे बड़ी कमी है कि बोर जो है यही बोर के मॉडल की यही बोर के मॉडल की सबसे बड़ी कमी है यही बोर के मॉडल की सबसे बड़ी कमी है कि उसने स्थिति और संवेग को एक साथ बता दिया और फॉर्मुले दे दिए बता दी वैल्यू इतनी होगी इतनी 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 वैल्यू होगी जबकि हाइजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यह बोल सकता है इससे सिद्ध हो रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिति और संवेद बताना एक साथ असंभव है बिना किसी गलती के यही बोर के मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी क्योंकि तो उसको पता नहीं था ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तरंग की तरह काम कर रहा है वो बातें नहीं पता थी उसको इसलिए वो इस तरह से नहीं सोच पाया हो गई गड़बड़ तो जैसे ये क्वांटा वाला कॉन्सेप्ट आया ना कि तरंग कण की तरह व्यवहार कर रही है और कण तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है जो लाइट है उसको हम तरंग बोल रहे थे वो कण की तरह व्यवहार कर रही है इस केस में क्वांटा वाले में और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन को हम कण बोल रहे थे वो तरंग की बात व्यवहार कर रहा है तो जब ये लोचा हो गया ना उसके बाद में समझने में सबको दिक्कत हुई और बोर्ड का मॉडल जो है वो धीरे 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 फेल होना शुरू हो गया अब कल की क्लास में आपको बोर्ड के मॉडल की, की कमियां अच्छे से बताई जाएंगी और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे आदित्य सिंह खतरनाक पढ़ाते हो बढ़िया थैंक यू सो मच बेटा समझ में आ गया अच्छे से बस आज की क्लास में एक ही वार्निंग है वो वार्निंग मैं आपको देकर के छोड़ रहा हूँ थोड़ी सी वो वार्निंग यही है कि लेमड़ा वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ध्यान सुन लो बेटा लैमड़ा वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था उस कॉन्सेप्ट में जो मैंने वो वेव वाला एग्जाम्पल दे क्लियर किया था ना आपको कि लेमड़ा कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए उसको दिमाग से निकाल दो वो यहां पर फिट नहीं बैठ रहा है उस एग्जाम्पल को अपन यहां डाल करके नहीं समझ सकते आपको जो बात याद रखनी है वो मैं आपको वापस एक बार बता देता हूं लेमड़ा जब भी कोई एम द्रव्यमान की वस्तु वी वेग से चलती है तो उससे जो तरंग बनती है उसका फॉर्मूला है लेमड़ा बराबर एच अपॉन एम बी ये पहली बात आपको याद रखनी है दूसरी बात इलेक्ट्रॉन के लिए जब हमने लैमडा कैलकुलेट किया तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और वेग इस लेवल का था कि जो हमारे पास लेमड़ा की वैल्यू आ रही थी उस वो वैल्यू संभव है मतलब इलेक्ट्रॉन एक अच्छी खासी वेव बन सकता है परंतु हमारे आसपास की दुनिया में लैमडा की जो वैल्यू निकल करके आती है वो इस प्रकार की आती है जो संभव ही ना हो इस प्रकार की लेमड़ा की वैल्यू निकल करके आती है इतनी कम लेडा की वैल्यू निकल करके आती है कि आपको वो वेव फील ही नहीं होगी इसलिए हमारे आसपास हमको कोई भी भागता हुआ इंसान चलती हुई गाड़ी भागती हुई बॉल घूमता हुआ पंखा उतने अच्छे से वेव के रूप में फील नहीं होता इसी रीजन से हम जब भी डी रोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही लगता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही लगता है ठीक है हालांकि मैं आपको बात बिल्कुल सही बोल रहा था कि लेमड़ा जितना ज्यादा होगा उतना म्यू कम होगा उतना एनर्जी कम होगी लैमड़ा जितना लेमड़ा जितना कम होगा उतना म्यू ज्यादा होगा उतना एनर्जी ज्यादा होगी ये बात बिल्कुल सही है इसमें कोई गलती नहीं है लैमड़ा का ज्यादा कम होने पर फर्क पड़ता है परंतु एक्चुअल में लैमड़ा इतना कम भी नहीं हो जाए लेमड़ा का कम होने से तरंग की ऊर्जा ज्यादा आती हुई बात सही है बट लैमड़ा इतना भी कम नहीं हो जाए कि तरंग ही नहीं बन पाए यहां पर आप देखो ना लेमड़ा इतना कम है कि तरंग को फील करना ही संभव नहीं है इससे जो तरंग बन रही है वो तरंग किसी काम की नहीं है हमारे लिए कोई मतलब वाली बात था था में। ठीक है है तो ठीक तरंग एक तरह से यहां पे आप मान लो कि तरंग ये अप्रोक्सी जीरो ही तो है आप ऐसा बोल सकते हो इतनी बड़ी वैल्यू का भाग लग रहा है अप्रोक्सीमेटली क्योंकि वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो 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 जीरो, जीरो, जीरो 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 पता नहीं कितने जीरो जीरो पॉइंट के बाद तैतीस जीरो लगेंगे फिर सिक्स आएगा तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जीरो के बराबर ही है तो लेमड़ा आपका जीरो ही हो गया लेमड़ा जीरो हो गया तरंग बनी ही नहीं बात खत्म यहां पे आपका लैमड़ा जीरो नहीं है लेमड़ा की कुछ वैल्यू है जो अप्रोक्सिमेटली जीरो के बराबर नहीं है जज कर सकते हैं उस के बारे में। हम बोल रहे हैं उसके बाद अगर आप कंपेयर करना चाहो तो आप इस लॉजिक से कंपेयर कर सकते हो कि जिसका लैमड़ा ज्यादा उसकी ऊर्जा कम और जिसका लैमड़ा कम उसकी ऊर्जा ज्यादा पर तरंग बने तो सही समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं क्लियर तो बस यही बात है कि आपको अब यहाँ पे इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है जो बातें मैंने बता दी हैं आपको सारी क्लियर कर दी हैं ये कंपैरिजन इलेक्ट्रॉन और उसके लिए सही नहीं है हालांकि जब तरंगे बन जाएं और उनकी ऊर्जा को कंपेयर करना हो तो आप इस लॉजिक से कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन के लिए केवल इतनी सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में देखा जाता है तो उसका लैमड़ा इतना होता है कि हाँ वहाँ पे वास्तव में तरंग के गुणधर्म आ सकते हैं जबकि हमारे आसपास की वस्तुओं में जैसे एक 10 ग्राम की बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से बेच के मैंने आपको बताया वहां पे आपको इस प्रकार का कोई गुण नज़र नहीं आएगा वहां आपको मजा भी नहीं आएगा क्लियर कदम बात ठीक है कहानी आज की तो यहाँ पे इतना कुछ समझने के बाद में जो भी क्रक्स था वो आपको याद रहना चाहिए यही आज की क्लास का उद्देश्य है अब हम ट्वेल्थ क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और जिस भी बच्चे ने अभी तक भी बैच ज्वाइन नहीं किया है बैच को ज्वाइन कर लीजिए बहुत सिंपल से स्टेप्स फॉलो करो बैच के अंदर आप आ जाओगे पहला स्टेप ये है कि आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है कॉल करना है एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो अब बैच ज्वाइन करने के फायदे ये हैं कि न्यूमेरिकल्स वगैरह सब वहीं मिलेंगे तो अब इससे संबंधित एक शीट आपको मिल जाएगी एक दो दिन में और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स हैं वो एप्लीकेशन पर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में बाय जय हिंद टेक केयर ध्यान रखिए खुश रहिए मस्त रहिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए जय हिंद लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना शेयर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप पर लगाना इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे जय हिंद